यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संशोधन लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने और दूसरे ऐसे प्रावधान थे जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते थे, उनको वापस किया गया। जैसे 44वें संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को बहाल किया गया। इसी संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं किया जा सकता है। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया कि आपातकाल की अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से मोरारजी भाई ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकाल लागू कर 1975 में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई थी, वह भविष्य में फिर दोहराया ना जा सके। भारतीय लोकतंत्र के महात्म्य को बनाए रखने में उनके अमूल्य योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। एक बार फिर ऐसे महान नेता को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हर साल की तरह इस बार भी पद्म अवार्ड को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। आज हम एक न्यू इंडिया की ओर अग्रसर हैं। इसमें हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो ग्रासरूट लेवल पर अपना काम निष्काम भाव से कर रहे हैं, अपने परिश्रम के बल पर अलग अलग तरीके से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। दरअसल वे सच्चे कर्मयोगी हैं जो जनसेवा, समाज सेवा और इन सबसे बढ़कर राष्ट्र सेवा में निस्वार्थ जुटे रहते हैं। आपने देखा होगा, जब पद्म अवार्ड की घोषणा होती है तो लोग पूछते हैं कि ये कौन है। एक तरह से इसे मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टीवी, मैगजीन या अखबारों के फ्रंट पेज पर नहीं है। ये चकाचौंध की दुनिया से दूर है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की परवाह नहीं करते, बस जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। योगः कर्मसु कौशलम्, गीता के संदेश को वो एक प्रकार से जीते हैं। मैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ओडिशा के दैतारी नायक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हें कैनाल मैन ऑफ द ओडिशा यूं ही नहीं कहा जाता। दैतारी नायक ने अपने गांव में अपने हाथों से पहाड़ काटकर 3 किलोमीटर तक नहर का रास्ता बना दिया। अपने परिश्रम से सिंचाई और पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दी। गुजरात के अब्दुल गफूर खत्री जी को ही लीजिए। उन्होंने कच्छ के पारंपरिक रोगन पेंटिंग को पुनर्जीवित करने का अद्भुत कार्य किया। वे इस दुर्लभ चित्रकारी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब्दुल गफूर द्वारा बनाई गई ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति को ही मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार में दिया था। पद्म पुरस्कार पाने वालों में मराठवाड़ा के शब्बीर सैयद गौमाता के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन गौमाता की सेवा में खपा दिया, यह अपने आप में अनूठा है। मदुरई चिन्ना पिल्लई वही शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु में कलंजियम आंदोलन के जरिए पीड़ितों और शोषितों को सशक्त करने का प्रयास किया। साथ ही समुदाय आधारित लघु वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत की। अमेरिका की ताओ पोर्चोन लिंच के बारे में सुनकर आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे। लिंच आज योग की जीती जागती संस्था बन चुकी है। 100 वर्ष की उम्र में भी वे दुनिया भर के लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही है और अब तक 1500 लोगों को योग शिक्षक बना चुकी है। झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। उन्होंने
न केवल 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से बचाया बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। ये जमुना जी के परिश्रम का ही प्रताप है कि आज गांव वाले हर बच्ची के जन्म पर 18 पेड़ और लड़की की शादी पर 10 पेड़ लगाते हैं। गुजरात की मुक्ताबेन पंकज कुमार दगली की कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। खुद दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने दिव्यांग महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए, ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। चक्षु महिला सेवा कुंज नाम की संस्था की स्थापना कर वे नेत्रहीन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के पुनीत कार्य में जुटी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की किसान चाची यानी राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरक है। महिला सशक्तिकरण और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में उन्होंने एक मिसाल पेश की है। किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को खेती के साथ ही रोजगार के अन्य साधनों का प्रशिक्षण दिया। खास बात यह है कि उन्होंने खेती के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का काम किया। और मेरे देशवासियों, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वर्ष जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें 12 किसानों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। आमतौर पर कृषि जगत से जुड़े हुए बहुत ही कम लोग और प्रत्यक्ष किसानी करने वाले बहुत ही कम लोग पद्मश्री की सूची में आए हैं। ये अपने आप में ये बदलते हुए हिंदुस्तान की जीती जागती तस्वीर है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आप सबके साथ एक ऐसे दिल को छूने वाले अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं। आजकल देश में जहां भी जा रहा हूं, मेरा प्रयास रहता है कि आयुष्मान भारत की योजना पीएम जय यानी पीएम जन आरोग्य योजना के कुछ लाभार्थियों से मिलूं। कुछ लोगों से बातचीत का अवसर मिला है। अकेली माँ, उसके छोटे बच्चे पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रही थी, इस योजना से उसका इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गई। घर का मुखिया मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की देखभाल करने वाला एक्सीडेंट का शिकार हो गया, काम नहीं कर पा रहा था, इस योजना से उसको लाभ मिला और वो पुनः स्वस्थ हुआ, नई जिंदगी जीने लगा। भाइयों और बहनों, पिछले 5 महीनों में लगभग 12 लाख गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। मैंने पाया कि गरीब के जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सब भी यदि किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति को जानते हैं जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा हो तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताइए। यह योजना हर ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्कूलों में परीक्षा का समय शुरू होने ही वाला है। देश भर में अलग अलग शिक्षा बोर्ड अगले कुछ हफ्तों में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के इम्तिहान के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और सभी टीचर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का एक बहुत बड़ा आयोजन टाउन हॉल के फॉर्मेट में हुआ। इस टाउन हॉल कार्यक्रम में मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेश के करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, टीचर्स के साथ बात करने का अवसर मिला। परीक्षा पे चर्चा, इसकी एक विशेषता यह रही कि परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत हुई। कई ऐसे पहलू सामने आए जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी, उनके शिक्षक, माता पिता यूट्यूब पर इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आने वाले परीक्षा के लिए मेरे सभी एग्जाम वॉरियर्स को ढेरों शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की बात हो और त्योहार की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ही हमारे देश में कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिसका महत्व ही न हो, जिसका कोई त्योहार न हो, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की ये विरासत हमारे पास है। कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और इस बार तो
शिवरात्रि सोमवार को है और जब शिवरात्रि सोमवार को हो तो उसका एक विशेष महत्व हमारे मन मंदिर में छा जाता है। इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मैं काशी गया था। वहां मुझे दिव्यांग भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिला। उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई और उनका आत्मविश्वास वाकई प्रभावित करने वाला था, प्रेरक था। बातचीत के दौरान उनमें से एक प्रज्ञा चक्षु नौजवान से जब मैं बात कर रहा था तो उसने कहा, मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूं, मैं मनोरंजन के कार्यक्रमों में मिमिक्री करता हूं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आप किसकी मिमिक्री करते हो? तो उसने बताया कि मैं प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता हूं। तो मैंने उनसे कहा, जरा करके दिखाइए। और मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था कि उन्हें मन की बात में जिस प्रकार से मैं बात करता हूं उसी की पूरी मिमिक्री की और मन की बात की ही मिमिक्री की। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग न सिर्फ मन की बात सुनते हैं बल्कि उसे कई अवसरों पर याद भी करते हैं। मैं सचमुच में उस दिव्यांग नौजवान की शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आप सब से जुड़ना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा है। रेडियो के माध्यम से मैं एक तरह से करोड़ों परिवारों से हर महीने रूबरू होता हूं। कई बार तो आप सब से बात करते, आपकी चिट्ठियां पढ़ते या आपके फोन पर भेजे गए विचार सुनते मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मुझे अपने परिवार का ही हिस्सा मान लिया है। यह मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति रही है। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। अगले 2 महीने हम सभी चुनाव की गहमा गहमी में व्यस्त होंगे। मैं स्वयं भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूंगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिले का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।